हमारे आज के मेहमान साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, साबिक वजीर सेहत, साबिक वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, 1977 से 1996 तक सूबाई असेंबली के रुकन रहे, हम राणा इकराम रूबानी को खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और हमारे आज के जज हैं चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार हसीबुल खान। जैसा मुझे इजाज़त है कि मैं इनसे अपने आर्गूमेंट शुरू करूं। जी, कार्रवाई की। शुक्रिया राणा साहब। एक मुंतखब असेंबली को सिर्फ 2.5 महीने काम करने का मौका मिलता है जब आप पहली दफ़ा असेंबली में 1977 में इलेक्ट होकर जाते हैं, ज़ियाउल्लाह जमहूरियत को पैक कर देते हैं। क्या समझते हैं आप उस एक्शन की जिम्मेदारी क्या सियासतदानों पर भी आती है? इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जितने सेगमेंट्स हैं उनमें से किसी को मैं बड़ी जिम्मा करार नहीं दे सकता, लेकिन आप गलतियाँ कह लें, आप सियासतदानों की मशावरत कह लें, आप सियासतदानों की खुदगर्जी कह लें, तो जब PNA बनी तो जो लोग सियासत के थोड़े से मामलात को समझते थे उन्हें उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप है ये कुछ दिनों का मेहमान है। उन्हें रातों रात PNA का बनना, एजिटेशन का शुरू हो जाना, पहले निज़ाम ये महंगाई का खात्मा करना, उस वक्त महंगाई इशू नहीं, वही ना वो पहले महंगाई का इशू था, ये करप्शन कह लें या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ एक वो उसमें केनरी कैसेंजर की बैकग्राउंड भी आ जाती है, तो लेकिन ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि आर्म्ड फोर्सेस आर अप टू। तो जिस वक्त ये सबसे पहले धांधली का शुरू हुआ, धांधली के बाद जब वो नारा कामयाब नहीं हो सका तो दोबारा से निज़ाम मुस्तफ़ा का वो आज तक हमें वो नहीं नज़र आया। तो इसका मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सियासतदान अपनी खुदगर्ज़ी की वजह से उनको जवाब मुहैया करते हैं उनकी हदायत के मुताबिक। अच्छा, अब ये हम एक बात देखते हैं राणा साहब के ये मार्शला लग जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDA के इतिहाद के साथ शामिल होती है और वो बहुत सुकड़ के रह जाती है सूबाई असेंबली पंजाब में और 10 सीटें हासिल कर पाती है, और जबकि IGI को 214 नशस्तें मिलती हैं पंजाब में। और ये वो वक्त है जब आप पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे उभरते हैं। पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुकड़ जाना एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और 10 अरकान के साथ आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना, और फिर सुना है कि आपको हटाने के लिए एक साजिश भी होती है, तो वो साजिश क्यों होती है? 10 आदमी पर एक अपोजिशन है, क्या तंग कर रहे थे? आपने ऐसे कौन सी हरकत शुरू कर दी थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जिसके बिना पर सोचा गया कि इकराम रूबानी को हटा दिया जाए, कोई और आदमी लाया जाए? ये जिस वक्त ओथ लेने के बाद असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले रिमार्क्स ग़ुलाम हैदर वाइन की तरफ से भी आए और मियां मंजूर वटू जो स्पीकर थे उनकी तरफ से भी आए कि हम ऐवान में नन्ही मुन्नी ऑपोजिशन को खुश आमदेद कहते हैं। तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये कहा कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपना ये ख्याल तब्दील करना होगा, आप हमारी क्वांटिटी पे ना जाएं, जब हमारी क्वालिटी आपके सामने आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए किस किस्म की क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि कायदे हज़्ब इख्तलाफ़, ये इख्तलाफ़ का मतलब सिर्फ रोकना ही होता है कि आपके गलत कामों की गलत पॉलिसीज़ की इसलाह के लिए हम किस हद तक फिर किस जा हद तक आप चले गए कि उनको ये सोचना पड़ा कि आपके बजाय किसी और को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लें? उसकी वजह ये थी कि मैं एक मुझे शुरू से लिखने पढ़ने की आदत थी, कॉमर्स कॉलेज के ज़माने से मैं वो आर्टिकल लिखता, पूरी अखबारें हम देखते थे, फिर मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे, मेरे वालिद पहले MNA रहे, तो मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट मियां नवाज़ साहब थे प्राइम मिनिस्टर जो वो पसंद नहीं करते थे कि ये लीकेज हो, या जो क्रिटिक्स हैं अगर मैं इस पर इतलाफ़ ना भी कहूँ
तो उनके इल्म में आए और वो उसको सर मुझे स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात बताएं कि इफ्तिखार देखो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने ये अमल किया या मेरा ये रेजोल्यूशन थी या मेरा ये क्वेश्चन था या मेरी ये स्पीच थी जिसकी बिना पर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि मैं उनको अब सूट नहीं करता इवन नॉट एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन। सबसे पहले जो मैंने असेंबली में बात की वो इलेक्शन के रिजल्ट्स पे थी कि ये इलेक्शन के रिजल्ट ओरिजिनल नहीं हैं, ये इंजीनियर्ड हैं और इसमें जो जो फैक्टर्स सामने थे मैंने बड़े खुल के बग़ैर किसी झिझक के उनका सबका कह लें उसके बारे में बताई, किसी अदारे का किसी इंडिविजुअल का जो रोल था और ग़ुलाम इसहाक साहब के बारे में मैंने बड़ी खुल के बात की। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप प्रेसिडेंट के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते। तो मैंने विद रेफरेंसेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा कह लें ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी उसके हवाले से बताया कि मैं प्रेसिडेंट का जो पर्सनल कॉन्डक्ट है कि जी आज उन्होंने जूते इस रंग के पहने आज उन्होंने नाश्ता किया ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता ना इस पर इजहार ख्याल कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो जो गलतियाँ की हैं जो जो ज्यादतियाँ की हैं जिससे पूरा सेटअप जो है वो एक अलमिया का शिकार हुआ है। चल सो आपने गुलाम इसहाक खान पे तो वो चूँकि ऐसा आगाज़ वहाँ से हुआ तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये मतलब इसके साथ हैंडल करना ज़रा। और फिर उन्होंने कोशिश की और फिर आपने उनकी उस कोशिश को नाकाम बनाया, वो चाहते थे जमात इस्लामी वाले आ जाएँ, आपने फिर ये जाके बात अपनी पार्टी से भी की और आपने साजिश को एक्सपोज किया और आपके 9 की बजाय आपको एक मेंबर और मिल गया, आप 10 हो गए। मैं थोड़ी सी तस्वीर हम 11 थे जी, तो जमात इस्लामी के थे 12 बंदे लेकिन वो IGI के टिकट पे मुंतखब हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि इससे जान छुड़ाने का तरीका ये है कि उन्होंने स्पीकर साहब को एक दरख्वास्त दी कि हमारा नंबर ज़्यादा है, हमारे बंदे ज़्यादा हैं। तो फिर वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम ने मेहरबानी की और फारूक खान लगारी अपने बेटे को दिया कि जाए, आप कज़न थे उनके मकसूद लगारी उन्होंने, और मैं जब गया तो वो टेनिस का मैच के बड़े दिलचस्प छोटा सा वाक्य है। तो मुझे मकसूद खान कहते हैं कि इकराम भाई मेरा फाइनल है, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता, ये सफ़ेद कागज़ में दस्तखत लिख के दे रहा हूँ, इससे सिवाय मेरी डिवोर्स के आप जो मर्जी लिखें। मकसूद खान लगारी जो बाज़ अज़ां इस ख्वाहिश का भी इजहार करता रहा कि उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए, उसने लिख के दे दिया एक खादे कागज़ पर कि मैं राणा इकराम रुबानी के साथ हूँ और आप लीडर ऑफ द अपोजिशन चलते रहे। अब एक ऐसा मौका आता है विच इज़ वेरी टर्निंग पॉइंट इन 93 में, वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा हुआ है, वो तो मूव नहीं करता चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन के इसके खिलाफ अदम अतमाद करो ग़ुलाम हैदर वाइन के ख़िलाफ़, लेकिन एक साजिश होती है उसके तहत एक आदमी को रोका जाता है, एक MP को सड़क के ऊपर ट्रैफिक की पुलिस रोक लेती है और उसके साथ कुतूतू मैमे हो जाती है, खुदाबश वगैरह इसको बड़ा सीरियस ले लेते हैं, बजट सेशन एक हंगामा हो जाता है, मुतालबा किया जाता है चीफ मिनिस्टर ग़ुलाम हैदर वाइन से कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, ये ठीक है हुआ? एक्चुअली ये कि हाउस नॉर्मल अपनी प्रोसीडिंग पे चल रहा था तो ये 2 MPA साहबान हाउस में एंटर हुए और उन्होंने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमें रास्ते में रोका गया, वो जो काले शीशे थे वो फौरी तौर पे उतारने के लिए कहा गया, तो इस पर कोई एक्शन होना चाहिए। अब मैं इस किस्म के मौक़ों की तलाश में रहता था तो मैंने उठ के कहा कि जी आप गवर्नमेंट पार्टी के MPs हैं, अगर आपकी अपनी जमात या आपकी अपनी पार्टी अगर आपकी इस तौहीन के बारे में खामोश रहती है तो मैं एज़ मेंबर ऑफ़ द सूबाई असम्बली इस पर एतराज़ करता हूँ, इस पर एहतजाज करता हूँ और हम एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। तो मेरे इस इनिशिएटिव की वजह से फिर जो गवर्नमेंट पार्टी के MPs थे उनको भी हाउस से बाहर। इकराम वाणी साहब आप ये कहना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे आप भी इंस्टिगेट किया मेंबरान को उठ खड़े हों और ग़ुलाम हैदर वाइन के खिलाफ जो साजिश एक बन रही थी पीछे उसमें शामिल हो जाएं और ग़ुलाम हैदर वाइन को IG को बदलना पड़ा।
उस वक्त गुलाम हैदर वाई के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, उस वक्त साजिश थी कि आईजी को बदला जाए और कुछ हलके जो आज भी बरस इकतदार हैं उनका ये ख्याल था कि रेलवे का जो आईजी है शरीफ चीमा उसको लाया जाए बतौर आईजी। चल अब ये नहीं हुआ, बात चलेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पहली मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वज़ीर आला को आउट होना पड़ा। और मंजूर वट्टो साहब ये लिखते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 11 अराकीन सूबाई असम्बली ने अपोजिशन लीडर राना इकराम रब्बानी की सरबराही में तहरीक अदम इतमाद में हिस्सा लेकर मुझे वज़ीर आला मुंतब करने के लिए वोट का हक इस्तेमाल किया। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? मैं मियाँ मंजूर अहमद को बड़े पूरे एहतराम के साथ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, मैंने पढ़ी है ये बुक, आपने ये पढ़ा है? ये पढ़े जो आपके बारे में उन्होंने फरमाया है, मैंने पढ़ी, मेरे पास है जी ये बुक। हाँ, तो फिर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये इट इज़ इन राइटिंग, ये तहरीर तौर पर लिखा उन्होंने। यही अर्ज करना चाहता हूँ कि या तो उनकी याददाश्त उनका साथ नहीं दे रही, या उन्होंने आमदन कसदन, अब मैं नरम तीन अल्फाज में कह सकता हूँ कि इट्स ए टोटल वाइट लाई। हम अपोजिशन में होते हुए किसी लिहाज से भी, मोहतरम जज साहब इस पे कमेंट्स दे सकते हैं, हम चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ चूँकि हम उनकी मेंबर असेंबली के नहीं थे रुकन, और वो पार्टी के सरबराह की हैसियत से वो काम कर रहे थे बतौर वज़ीर आला, तो एक जमात जो अपोजिशन में है, ना हम उनको वज़ीर आला बनाने में हमारा कोई किरदार हो सकता था, ना उनको निकालने में हमारा कोई किरदार हो सकता था। 93 का इलेक्शन, आईजीआई वर्सेस पीडीए में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, एक और छोटी सी कुव्वत उभरती है जिनेजो लीग, 19 सीटें वो ले जाती है, और जनाब फिर एक नया खेल इस सूबे में शुरू हो जाता है कि 19 नशस्तें रखने वाला मंजूर अहमद भट्टू चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाता है, और आप उस वजारत में सेहत के वज़ीर बन जाते हैं। मियाँ मंजूर वट्टू को चीफ मिनिस्टर बनाने का फ़ैसला पहली असेंबली डिसॉल्व होने के बाद और दूसरे इलेक्शंस होने के पहले, ये मैं एक बड़ी दिलचस्प बात कर रहा हूँ, दूसरे इलेक्शंस होने से पहले उसको चीफ मिनिस्टर बनाने का फ़ैसला हो चुका था, और ये मीटिंग हुई थी फारूक लगारी के इस्लामाबाद वाले घर में। क्यों हुआ था? इसलिए कि उसने एक इलेक्टेड हकूमत में बकौल आपके गुलाम इसहाक खान वगैरह के कहने पर एक साजिश करके गुलाम हैदर वाइन को वोट आउट कर दिया था, एक डेमोक्रेटिक आदमी को बाहर निकाल दिया था एक साजिश के ज़रिए। मियाँ साहब के बारे में गुलाम इसहाक साहब की ज़िंदगी में ये एक टैग उन पर लगा हुआ था कि ये गुलाम इसहाक खान का बंदा है। अब गुलाम इसहाक खान और हमारी जो कह लें सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उनकी मशावरत से सारी मुस्तकबिल के लिए मनसूबा। कितने अफसोस की बात है कि आप एक ऐसे आदमी को बाद अज़ां खुद सपोर्ट कर रहे हैं जो कि अभी आप कह रहे हैं कि वो किसी का था, उसको कोई और सपोर्ट कर रहा था, और आपकी पार्टी जो जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती है उस आदमी को सपोर्ट करके वज़ीर आला पंजाब बनवा रही है। मुझे तो इस सारी कन्फ्यूजन की समझ नहीं आती सर, कि किस किस्म का जालम सियासत करते हैं आप लोग। इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। क्यों? एक आदमी जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं कि ही वॉज सपोर्टेड बाई द गुलाम इसहाक खान और कुछ और ताकतों के, उसकी बिना पर गुलाम हैदर वाइन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, फिर आप जो जमहूरियत के सबसे बड़े हामी बनते हैं, खुद कह रहे हैं आप कि नए इलेक्शन से पहले ही तय कर लिया गया कि उसको वज़ीर आला बनाना है और उसके पास 19 सीटें हैं। आपने अगर एक बुक पढ़ी होगी जिसमें आपदा बेगम आपदा हुसैन ने यह जिक्र किया है, फिर आपने मालिक मीर और क्लासर साहब का इंटरव्यू पढ़ा होगा कि अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बड़े स्मूथली रन कर रही थी, तो मियाँ साहब ने उनको बुलाया और कहा कि मेरी हुकूमत आने वाली है और आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आगाज़ से ही मुझे आप
تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے. ٹھیک المیہ ہے نا. میں اب آپ کو ایک انگریزی کی ایک کہہ لیں کوٹیشن, وہ سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. سنا دیں کہ پالیٹکس آلویز میک اسٹرینج بیڈ فیلوز. آپ لوگ اور آپ کی پارٹی جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے وہ ایک ایسے آدمی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے بطور دا چیف منسٹر آف پنجاب جس کے پاس 19 ووٹ ہیں. کیا جمہوریت ہے جن کے پاس 105 ووٹ ہیں وہ باہر بیٹھے رہیں اور جو 19 ووٹوں والے وہ چیف منسٹر پنجاب بن جائے. خاص صاحب رائٹلی اور رونگلی سیاست میں میں ایک اور توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری کمٹمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, ناٹ میری, کہ ہم نواز اعظم صلاح خان کو بنائیں گے پریزیڈنٹ. لیکن جس وقت الیکشن ہوا تو ہم نے پھر سب کو, ہم نے پارٹی ڈسپلن کے تحت کہہ لیں, مجبوراً کہہ لیں, پسند کرتے ہوئے یا ناپسند کرتے ہوئے, ہم نے غلام صاحب کو, غلام صاحب خان کو بنایا. پھر اس نے آصف زرداری کو بلایا جیل سے, اس نے حلف اٹھوا دیا, وہ اور چیزیں. میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب اینڈ پنجاب پالیٹکس. اب آپ بن جاتے ہیں وزیر صحت. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ وزیر صحت بن جاتے ہیں تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, خاص طور پر صوبہ پنجاب کے حوالے سے, یہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس کی بہت ایشو ہے. آپ اپنا ایشو دیکھ لو کہ جب آپ کو کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو امریکہ جانا پڑتا ہے علاج کرانے کے لیے, جبکہ آپ کے غریب علاقے میں جو دوسرے آپ کے غریب ووٹر ہیں وہ بیچارے ہسپتال میں جا کے ڈائلسس نہیں کرا سکتے. جب یہاں پہ ملک کا سابق پرائم منسٹر بیمار ہوتا ہے تو وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا یہاں پہ علاج ہی نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ بطور سابق وزیر صحت اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ بالکل ناکام رہے ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں جو آپ اپنے لیے تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے ووٹر کو نہیں ملتے؟ پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جس وقت مجھے یہ کڈنی کی پرابلم تھی اس وقت میں وزیر صحت نہیں تھا. آپ نہیں تھے, میں نے کب کہا؟ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وزیر صحت کو جو اس عہدے پہ پیسہ ہوگا تو آپ گئے تھے امریکہ. مجھے غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ میں ڈائلسس کے بھی پیسے دوں. اب میں بات کر رہا ہوں اس وزیر صحت سے جو ایک صوبے کا وزیر صحت رہا اور اس نے اچھے کام بھی کیے پولیو کے بارے میں. آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ قابل تعریف ہے کہ آپ نے پولیو پر بہت اچھا قابو پایا, لیکن اس کے ساتھ اور سوالات بھی تو ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے, کیوں کر ہم ایسے ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں رانا اکرام ربانی بھی اپنا علاج نہیں کرا سکتا اور میاں نواز شریف بھی اپنا علاج نہیں کرا سکتا؟ میرا خیال ہے آپ نے میری وہ ساری پوری طرح پڑھی نہیں. جس وقت میں نے چارج لیا ہے سب سے پہلے میں نے, چونکہ تھوڑی سی مجھے ہارٹ کی پرابلم بھی تھی, تو سب سے پہلے میرا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہارٹ کے پیشنٹ اور جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں ان کو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے, بلکہ مہنگے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہ جانا پڑے. اور میں نے کوشش کی, فیصل آباد میں ہارٹ کا اوارڈ بنایا اور شہروں میں ہارٹ کا اوارڈ بنایا, سو مچ سو کہ میں نے ہر مین روڈ پہ جو ہماری ہیلتھ فیسلٹی تھی اس پہ ہر اسپتال میں 50 بندوں کے علاج کے لیے, ان کیس آف سم ایکسیڈنٹس وغیرہ وغیرہ اس کے لیے. لیکن ہمارا جو ایک سسٹم ہے ہمارا, اس میں کام کرنے کی لمیٹیشنز ہیں منسٹر کے لیے. اس میں جو پروسیجرل کہ جی یہ سیکشن افسر سے پروپوزل چلے گی, پھر ڈپٹی سیکٹری کے پاس آئے گی, سیکرٹری کے پاس آئے گی, پھر وہ اچھا پھر وہ پرانا ہمارا رولز آف بزنس پنجاب گورنمنٹ کا اب تک ہے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹر اگر کوئی اوپینین دیتا ہے تو ہز سیکرٹری کین ریفیوز کہ جی میں آپ کی بات نہیں مانتا, تو میٹر ول گو ٹو دا چیف منسٹر. اب یہ ہوا کیوں کہ اب پھر کہیں گے یہ بات لمبی کرتا ہے؟ انگریزوں کے زمانے میں منسٹر تو رکھ لیے, چھوٹو رام بھی آ گیا, بوٹا سنگھ بھی آ گیا, محمد علی بھی آ گیا, لیکن انہوں نے جو اصل پاور تھی وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس رہی. جب بھی نئی اسمبلی آئی تو جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے تھے اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ منسٹرز کو امپاورڈ کیا جائے کہ وہ اپنے محبے کی بہتری کے لیے اپنے طور پہ کوئی ڈیسیجن لے سکیں. لیکن اس وقت یہ سارے ہمارے ہاں, میں تھوڑا سا اور زیادہ کہتا ہوں کہ جو منسٹرز ہیں ان کی انہیرنٹ پاورز نہیں ہوتی, وہ چیف ایگزیکٹو کی ڈیلیگیٹڈ پاورز استعمال کرتے ہیں. پھر جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت ایک مذاق ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا.
पाकिस्तान के हालात से तो ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब आता हूँ मैं उस तरफ जो आपका पीपल्स पार्टी से जो मसाइल आपके हैं। मुर्तजा भुट्टो का मर्डर 20 सितंबर 1996, आपने एक कालम में लिखा कि पीपल्स पार्टी की आला क्यादत ने मुर्तजा भुट्टो की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया, क्या ये हकीकत? मैंने, मुझे याद है मैंने क्या लिखा था, मैंने आला क्यादत का नहीं कहा था, मुझे ये कन्वे किया गया था मलक मुश्ताक अवान साहब के हवाले से, लेकिन मैंने उस पर अपनी राय दी कि मलक मुश्ताक अवान की अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो पार्टी को भी और हम जो अरकान असेंबली गायबाना नमाज जनाजा, मलक मुश्ताक अवान ने पूरे पंजाब की तंजीमों को पैगाम दिया कि इस्लामाबाद से हुक्म आया है कि गायबाना नमाज जनाजा अदा नहीं की जाएगी और वक्त शायद है कि पूरे पंजाब में कहीं भी हुक्म वदूली नहीं हुई। बिल्कुल सही बात। तो कौन जिम्मेवार है, उसका क्या इंटरेस्ट था मलक? मैंने उसमें ये लिखा था कि इसका जवाब मलक मुश्ताक साहब दे सकते हैं। तो लिखा तो आपने? नहीं, मैंने यही कहा ना, उन्होंने हमें ये तो नहीं कहा। आपने लिखा कि इस्लामाबाद से ये हुक्म क्यों दिया गया, ये किसने दिया, ये सवाल आज तक मुझे परेशान कर रखे हुए, बल्कि ये कहना चाहूँगा कि हॉन्ट करता है, जब तक कोई खास दिन आता रहेगा ये सवाल शिद्दत से उभरता रहेगा। आज तक इस सवाल का जवाब आपको मिला? नहीं मिला जी। आपने बशीर रियाज साहब ने लिखा, बशीर रियाज बहुत करीबी दोस्त हैं उस खानदान के, और मुर्जा के बारे में वो लिखते हैं कि जब मुझे वाकया पता लगा तो मुझे जो भी उसका रद्द अमल था, उसने कहा कि बेनजीर ने मुझे कहा, बेनजीर ने एक ईमेल की बशीर रियाज साहब को, बहुत कुछ लिखने के बाद उन्होंने कहा मुझे जुलाई से पहले उनसे मसलत न होने का कलक रहेगा। ये क्या कहना चाह रही थी बेनजीर को? ये उन्होंने जो डिटेल लिखी थी, उन्होंने कोशिश की कि एक मुलाकात मीर मुर्तज़ा और मोहतरमा की हो जाए, उसके लिए कराची से डायरेक्ट इस्लामाबाद की फ़्लाइट नहीं ली गई, ना लाहौर के ज़रिए से ली गई। डिसीजन ये हुआ कि मुर्तज़ा कराची से फैसलाबाद आएंगे और फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाएंगे, बट इन बिटवीन ये अब जो भी, अब मैं तो ना मेरे इलम में है ना मैं इस पर कोई अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि रुकावट कहाँ आई और मुर्तज़ा भुट्टो को इस्लामाबाद जाने, मुर्तज़ा भुट्टो के कातिलों को सज़ा मिल गई? उनके कातिलों का तयन ही नहीं आज तक नहीं हो सका। और मेरी पीपल्स पार्टी की क़यादत से इख्तलाफ़ की दो वजूहत थी, वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर आपकी हुकूमत में मीर मुर्तज़ा के कातिलों का पता नहीं चलता, उनको सज़ा नहीं मिलती, मुहतरमा की खिलाफ जो साजिश हुई कि ये किसके जहन में आई, किसकी ज़ुबान पे आई, इम्प्लीमेंट किसने किया, जब तक हम उसका जवाब आपसे तो पूछ नहीं सकता कोई, आप हमें बताएं हम लोगों को क्या जवाब दें। ये एक मेन वजह थी जिस पे मेरी तलख रामी हुई और मैंने पार्टी से इलाहदगी इख्तियार की। आप मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी रहे 96 में पंजाब में, आपने कुछ वायदों में दखल भी की है जोंग सू जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन के हवाले से, वो जो वायदे किए गए थे उनके नतज कोई अच्छे निकले? अब मैंने एक WHO वालों ने मुझे मेहरबानी की, एक वो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम हमारे यहाँ, लेकिन जो था वो एक्चुअली हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, ये WHO मानता है, दुनिया मानती है कि ईरान का जो हेल्थ कवरेज है रूरल एरिया के लिए दैट इज़ दी बेस्ट। मैं ईरान गया, वहाँ पे मैंने स्टडी की, एट रैंडम किसी गांव में चले गए, वहाँ जाके वो हेल्थ सेंटर में हम गए, वहाँ पे एक खातून और एक मर्द, अब उनसे मैंने सवाल किए तो मेरे साथ एक ग्वादर से MNA थे, वो फारसी बड़ी अच्छी तरह बोलते पढ़ते भी थे, तो चूँकि वो दोनों उसी गांव के रहने वाले थे, एट रैंडम उन्होंने एक नाम पे निशान लगाया कि इसके बारे में कुछ डिटेल। अब उस खातून को ज़बानी याद था, क्योंकि उसी गाँव की रहने वाली थी, कि ये अफ़गानिस्तान से शख्स आया है, इसके इतने बच्चे पहले थे, अब इसकी फिर नई डिलीवरी हुई है, अब इसके जो ड्रॉप्स हैं वो ड्यू हैं, वो ये कुछ दिनों के बाद मुझे, मैंने उन्होंने सारे के सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर लिया, मैंने यही डुप्लीकेट किया यहाँ पे, और मोहतरमा ने मेहरबानी की कि जो मेरा हलका था आपने कहा कि इसका आगाज़ वहाँ से करें, और मैंने उकाड़ा से ये हेल्थ वर्कर, तो ये कहा जा सकता है मेरे सवाल के जवाब में कि आपने जो वायदे किए उनमें से जो एक वायदा था उसके ज़रिए कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू हुआ और पोलियो के मरीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होनी आसान होगी, ये जवाब है आपका जी।
आपने मुशर्रफ के दौर में कुफी अनान से मुलाकात की थी, क्या मकसद था उस मुलाकात का? मैं गया था जी किडनी के फॉलोअप के लिए। ठीक है, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने सरकारी अफसरों पे और वज़रा के बैरूनी मुल्क इलाज पे पाबंदी लगाई थी कि कोई भी नहीं जाएगा। मैं जब भी गया मैं हमेशा अपने उस पर, तो मैं वहाँ पे गया, यहाँ पे हमारे एक अमेरिकन कौंसल रहे थे एरिक डी ट्यूनिस, मैं उनको मिलने के लिए गया तो वो तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप भी अगर जाना चाहें तो हो सकता है कि आपकी वहाँ पे मुलाकात सेक्रेटरी जनरल से भी हो जाए। तो मैं फौरी तौर पे मैंने ये सोचा कि ये तो एक बड़ा अच्छा मौका है उनसे बात, क्या हुई? मैंने उनसे ये बात की, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, कि यूएनए के चार्टर में भी है और अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी बात तो करते हैं कि जी डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन मुशाहदे में ये बात आई है कि यूएनओ भी और बड़े ताकत में भी हमेशा जो कह लें आमराना निज़ाम होता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो फॉर गॉड सेक, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, कम से कम अमेरिका वगैरह की तो अपनी, क्या जवाब था उनका? उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये तस्लीम करता हूँ कि हमारे चार्टर में कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं, पर मिस्टर राना यू आर वेरी वेल रेड पीपल, आपको पता होगा कि आप अकेला नहीं कुछ कर सकते। जिन दिनों में आप ईरान में गए थे वहाँ पे आपको बड़ा इंस्पायर किया उस शहर की सफाई ने, क्या किया आपने आके फिर यहाँ पर? यहाँ मैंने, आप यहाँ छोड़े काले में क्या किया? मैं अर्ज करता हूँ, एक फिर कहेंगे लंबी बात करते हैं, लंबी बात नहीं करनी, सिंपल बात है कि कर सके नहीं कर सके। मैं करता हूँ जी, मैंने आके ये हेल्दी, उस प्रोग्राम का नाम था हेल्दी सिटीज़, सबसे पहले मैंने ये लिख के भेजा अपने डिपार्टमेंट को कि मैं यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ। आप हैरान होंगे क्या जवाब आया? उनका जवाब ये आया कि जी ये तो आइडिया डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है। अच्छा ठीक है, फिर मैंने मीटिंग बुला के उनको वो बुकलेट्स दिखाई। क्या जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा होना चाहिए या नहीं? आप कहते हो अगर ऐसा होगा तो जागीरदारों को फ़ायदा होगा, डू यू अपोज इट? जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनना चाहिए, उसकी मैं ये जागीरदारी वगैरह के अलावा बात करता हूँ। अब डेरा गाजी खां ये राजनपुर के किसी बंदे को कोई काम है, उसका बॉर्डर रेवेन्यू में कोई काम है वो लाहौर आएगा, सेक्रेटेरिएट में कोई काम है वो लाहौर आएगा, जिस अफसर से काम है ये हमें ये सब बातें पता है। अब देखें जबकि बेस्ट यहाँ तक आ गई, अमली तौर पर आ गई है कि वहाँ पर जा रहे हैं और ये बना रहे हैं, ये सिर्फ जनूबी पंजाब ही नहीं बनना चाहिए बल्कि पाकिस्तान में और भी छोटे छोटे यूनिट बनने चाहिए ताकि लोगों को उनके हक, उनकी जो ज़रूरियात है उनके डोर स्टेप उनको मिले। ये आपने पीपल्स फॉर्मेशंस बनाई थी हॉस्पिटल्स में, क्यों बंद की गई आपके ख्याल में? वो मेरे होते तक वो चलती रही। नहीं, क्यों बंद की गई? बहरहाल कोई पता तो होगा ना। ये एक अब जैसे नहीं कुछ साजिश है या सरमायादारों का ग्रुप है या दवाइयाँ बेचने वाले का ग्रुप है जो ये नहीं पसंद करता था, कोई करप्ट मिनिस्टर आ गया। ये जब भी कोई नई हुकूमत आती है उनकी चूँकि वो सोच, जैसे मैंने शुरू में कहा हमारी तो आवाम के ख़िलाफ़ होती है। नहीं, वो जो पिछली गवर्नमेंट ने काम शुरू किए होते हैं ना, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो उनको रोक के ऐसे प्रोग्राम शुरू करना चाहती हैं जहाँ उनकी अपनी तख्तियाँ लगें। ये प्रोग्राम इतना अच्छा था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, मैंने फार्मास्यूटिकल वालों से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हॉस्पिटल्स में आप फार्मेसीज बना रहे हैं क्योंकि बल्क में परचेज़ होगी तो हम इनको 10-50% रियायत पे देंगे। सर क्यों बंद हुई, आपको क्या खबर है अंदर की? ये जो हमारी हुकूमतों में सियासी भी ब्यूरोक्रेटिक भी, वो जो कमीशन खाने वाले लोग हैं ना जी, वो कोई ऐसा काम नहीं होने देते जिसमें से उनको कट ना मिलने का अंदेशा। आपने एड्स पे कंट्रोल करने की कोशिश की, एड्स आपके बाद अब तक बढ़ती जा रही है। एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने शुरू किया जी, सबसे पहले तो हमारे लिए इशू ये था कि हम देखें कि कैरियर किस तबके से आते हैं, तो उसके लिए हमने इंतखाब किया हीरा मंडी का कि यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले की जाए। अब हमारे एक सोसाइटी का एक कह लें मसला भी है कि हमारी जो ख्वातीन थी डॉक्टर वो वहाँ जाने से परहेज़ करती थी, तो मैं ख़ुद उनके पास गया, इंटरव्यूज़ किए कि आपके पास कौन कौन, उसमें हमने ये देखा कि ये जो ट्रकों के ड्राइवर हैं, मैं उस दौर की बात करता हूँ आज की नहीं,
कि ये जो ड्राइवर हजरात हैं ये एक सोर्स हैं कैरियर का, वो एक जगह से होके जाते हैं, वहाँ से कुछ सेहतमंद बंदा भी दोबारा जाता है तो ज़ाहिर है वो भी साथ कैरी करेगा। 26 दिसंबर 2012 साबक वज़ीर व मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इकराम रुबानी ने कहा, रहमान मलिक ने मोहतरमा की शहादत के हवाले से सिंध असम्बली में जो ब्रीफिंग दी वो रिपोर्ट परवेज मुशरफ के दौर में तैयार हुई। और आपने आगे जाके ये भी कहा कि रहमान मलिक ने कहा था कि वो मोहतरमा के कत्ल के हवाले से 27 दिसंबर को तफसीला से आगाह करेंगे। इस योर स्टेटमेंट, ये मैंने आर्टिकल लिखा था कि हमें इंसाफ चाहिए, ये मैंने उसमें लिखा था। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाहिद खान और सफदर अब्बासी को राज़ी करने की तजवीज़ पर आपने बड़ी मुखालफत की थी। उसकी वजह यह थी कि नाहिद खान का जो किरदार रहा, उनको मोहतरमा की तरफ से जो हैसियत दी गई वो उन्होंने बजाय पार्टी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की, उन्होंने अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए और सफदर अब्बासी की ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल किया। उस वजह से मेरा ये ख्याल था कि इनको दोबारा अगर उस तरह से इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने का मौका मिला तो उससे पार्टी का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा। सर, आप समझते हैं कि 1985 की जो असेंबली के तमाम आप लोग मुंतखब हुए, अब आपके जाने का वक्त आ गया। 85 के इलेक्शन में जब इलेक्शन में जाने का फ़ैसला हुआ और मुखालफत की गई, जो एबटाबाद में एयर मार्शल साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, एयर मार्शल साहब खामोश रहे, उन्होंने मेज़बानी इवन अब तारीख की बात हो रही है, तारीख की बात को तारीख बनाया जाए ना। एयर मार्शल खान अभी नज़रबंदी से रिहा हुए, ये पहला इजलास है उनके घर, वो नहीं कुछ कहना चाह रहे थे। आपकी पार्टियों में एक छोटी सी पार्टी थी पिंडी की, मुझे उस लड़के का नाम नहीं याद आ रहा जिसने ये खड़े होकर तजवीज़ की कि हमें बाइकॉट करना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो का टेलीफोन आया और वो हैरान रह गए कि आपका फ़ैसला क्या है। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने कहा कि हमें पार्टी का बाइकआउट करना चाहिए। मैं, टिका इकबाल हयात हैं, मैं उनको साथ लेके फारूक गुलगारी के घर गया, ये अभी वो एफ सी कॉलेज के पास इनका घर था। मैंने कहा कि सरदार साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन का बाइकआउट मुमकिन नहीं है, लोग इस तरह तैयार होकर वोट डालने के लिए निकलते हैं जिस तरह ईद पढ़ने के लिए जाते हैं। एक नंबर दो, अगर आप पार्टी का इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे तो जो सीजनड एक एस्टेब्लिश हो चुकी है सियासतदानों की एक क्लास, वो बाहर रह जाएगी, और वो जो बीडी सिस्टम वाला जो उसने मुशरफ ने जो एजिया ने जो बनाया था उनको मौका मिल जाएगा आने का। और मेरा खदशा, बाद में फारूक लगारी ने उसकी तायीद की कि असम्बलियों के बाहर हमें वो सोने की चेन वाले, हाथ में वो सिगरेट की डब्बी और पीछे 6 गनमैनों वाले वो नज़र नहीं आते थे जो स्टाफ इस बाइकआउट की वजह से यहाँ शुरू हो गया। अब मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ, शायद आप इसको समझना चाह रहे हैं। मेरा सवाल है कि 1985 में जो भी सियासी क़यादत उभर कर आई, क्या वक्त नहीं आ गया कि वो सियासी क़यादत अपने घरों में आराम से बैठे और एक नई सियासत को जन्म लेने दें? मैंने पहले इशारतन बात की थी कि मैं क्यों चाहता था कि बाइकआउट ना किया जाए, ताकि जिस स्टाफ की आप बात कर रहे हैं इनको असेंबली में आने का मौका ना मिले। तो मेरा मतलब यही था कि अब क्या कहते हैं, वक्त आ गया है कि उस स्टाफ को, उस क्लास को असेंबलियों से निकाला जाए, बल्कि सियासत से निकाला जाए। और ये बाई लॉ नहीं हो सकता, ये आवाम काम कर सकती हैं कि ऐसे लोगों को वो असेंबलियों में ना भेजें। राव सिकंदर इकबाल से भी आपकी नहीं बनती, आप उलझे रहते हैं लोकल पॉलिटिक्स में। मैं ऐसा करता हूँ, नहीं लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं, मेरे वालिद MNA थे, जब पीपल्स पार्टी का 77 का इलेक्शन हुआ तो मुझे सूबाई की टिकट मिली। इसलिए मिली कि आपको याद होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद असेंबली के इजलास में ये अनाउंस कर चुके थे कि राव खुर्शीद अली ख़ान दोबारा उकाड़ा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, और वो जो आज पार्टी पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ़ करते हैं ये वजह नहीं बनेगी कि मैं उनको टिकट ना दूँ। दोबारा इलेक्शन अनाउंस किया ज़ियाउल्लाह ने जो अक्टूबर में होना था, उसमें राव खुर्शीद साहब ने माजरत की कि मेरी तबीयत इस काबिल नहीं है कि मैं इतनी जल्दी दोबारा
इस बहुत बड़े बड़े हल्के होते थे उस वक्त, तो उनकी जगह पे मुझे नेशनल की टिकट मिली। अब राव साहब को ये था कि जब तक ये इसको मैं किसी तरीके से पुश आउट ना करूं, मेरी नेशनल असम्बली में जगह नहीं बनती। तो राव रशीद साहब, मलिक मेरा खालिद मरहूम, आफ्ताब खान शेरपाओ और वो जो चार का टोला मियां एहसान वगैरह ये शुरू होते, उन्होंने फिर लॉबिंग करके मुझे नेशनल की बजाय प्रोविंस का टिकट दिया। मैंने राव साहब से ये कहा कि राव साहब, मैं ट्रीटमेंट के बाद ये ज़हनी तौर पे तस्लीम कर चुका हूँ कि मेरे लिए नेशनल असम्बली का हलका, कैंपेन और ज़िम्मेदारियाँ निभाना फिज़िकली मुमकिन नहीं। 1977 की ये कहानी है। ठीक, अब आखिरी सवाल, आपके नज़दीक क्या सियासत खिदमत है या मुफाद परस्ती? सियासत मेरे नज़दीक एक इबादत है, खिदमत का ज़रिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये तजारत बन चुकी है और पैसे कमाने का और अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने का एक ज़रिया बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच राना इकराम रुबानी साहब। जैसा मुझे जो बात इनसे करनी थी मैंने कर ली, अब आप फैसला करें कि क्या दोनों की गुफ्तगू में से क्या रिजल्ट निकलता है। खूबसूरत इस्तखासा आपने पेश किया, वो अदवार था जो कि बहुत मुश्किल अदवार था, और जिस तरीके से आपने पॉइंट्स लिए, रेस किए, बड़े अहम थे, और जितनी उन्होंने मोहब्बत से, खलूस से और प्यार से उनके जवाब दिए काबिले तारीफ हैं, क्योंकि एग्रेसिव नहीं हुए, प्रॉपर तरीके से बात को उन्होंने जवाब दिया और उस चीज़ों को माना जो चीज़ें गलत थी, और आज भी वो स्टैंड करते हैं, अपनी खालिस प्योरिटी को साबित करते हैं कि वो सियासतदान हैं जिन्होंने किसी जगह पर इनका ज़ाती कोई इल्ज़ाम नहीं है, और जो भी पार्टी के मामलात थे, जहाँ गलत थे उन्होंने कहा गलत है, जो सही था उसको उन्होंने कहा सही है। जहाँ तक मामला है कि हम लोगों ने इतने मुश्किल वक़्त को जिस हुआ है, वो वक्त वाकई बहुत गलत था, उसमें चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही बताया है कि ये भी मजबूर थे, इनके पास भी कुछ सवालात के जवाब आज भी नहीं हैं, और ये इनकी मासूमियत है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने केस को डिफेंड किया है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू।